अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफीज़ा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कीमा कढ़ाई। तो एक अदद मैंने प्याज ली हुई है और 3 अदद मिर्चियाँ ली हुई हैं जिसको मैंने काट लिया है। 2 अदद आलू को मैंने काट लिया है और 1 पाव हमारे पास है टमाटर जिसको मैंने पीस लिया है और 1 पाव है हमारे पास कीमा। इसको मैंने धो के स्टैंडर्ड पर रख दिया है। मसाले की तरफ होते हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों को मिला के 1 चम्मच। 1/2 कटोरी मैंने तेल ले लिया है। अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। 1 अदद प्याज है मेरी, फाइन चॉप किया हुआ इसको मैंने, और इसी के साथ ही मैं लहसुन अदरक 1 चम्मच डाल दूँगी पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। कीमा डाल देंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब कीमे का रंग चेंज हो जाएगा इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और लास्ट में हम मसाले ऐड करेंगे। अब ये कीमा इतना सब भून चुका है हमारा, तो ये 2 अदद जो आलू मैंने काट के रखे थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम। और 1 पाव टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे, 1 पाव कीमा है तो 1 पाव टमाटर, और इसको अच्छी तरह से हम भूनना शुरू करेंगे। और साथ साथ हम इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसको हम वेट करेंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए और आलू भी गल जाए हमारे। फिर इसके बाद हम लास्ट में मिर्चियाँ डाल देंगे और उसको दम दे देंगे। बन चुका है, अब इसमें हम मिर्ची डाल देंगे। इसको सिर्फ 2 सेकंड के लिए हम दम दे देंगे। ये हो चुका है हमारा, तो हम इसको अब डिश आउट करेंगे। ये तैयार है मेरा आलू कीमा कढ़ाई और साथ में तंदूर और मिल्क शेक। मेरी रेसिपी ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।